प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सती गुरु चरणिको करूं सो प्रेम प्रणाम। अशोभरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्या कारज सरे। मन चित व्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहब जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। मुकतसर से हमारे श्री श्याम सुंदर जी, लाडी जी और शिवानी भगत जी, ललिता गर्ग जी और हमारी श्री गंगानगर से हमारी किरण सेठी जी। 6 अप्रैल से कार्यक्रम शुरू हुआ, हमारी श्री किरण सेठी जी ने एक दिन भी इसमें मिस नहीं किया, छुट्टी नहीं करी सुंदर साहब जी। और ऐसे आप परमधाम की आत्माएं अनेकों सुंदर साथ हैं जिन्होंने शायद एक दिन भी वाणी चर्चा की छुट्टी नहीं करी, पुष्टता के साथ पुष्ट होके, क्योंकि 3 तरह के होते हैं ना, पुष्ट मर्याद परवा। पुष्टता के साथ जो चर्चा सुनते हैं वो परम धाम की खासल खास आत्माएं, ऐसी खासल खास आत्माएं जो इस वाणी चर्चा से जुड़ी हैं, जिन्होंने अपने नियम को कभी भी नहीं तोड़ा, है ना लाडले सुंदर साथ जी। क्योंकि धाम धनी वाणी में फरमाते हैं, ब्रह्म सृष्टि की चाल ये धनी सो करना प्रेम। परम धाम में पहुंचकर पूरे होवे नेम। परम धाम की आत्माओं की चाल ये है कि धाम धनी से प्यार करना, और प्यार करने का नियम धनी ने कहा कब तक निभे, परम धाम में पहुंचकर पूरे होवे नेम। परम धाम के अंदर जब तक पहुंच ना जाएं तब तक प्यार करने का नियम छूटना नहीं चाहिए, है ना सुंदर साहब जी। आइए लाडले सुंदर साहब जी, हम धाम धनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ें, चरण कमलों का ध्यान करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं। ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं। प्राण पिया मेरे प्राण पिया हो हो। प्राण पिया मेरे प्राण पिया ये निस्बत भूलो ना। फना में डोलो ना ये निस्बत भूलो ना।
फना में डोलू ना प्राण पिया मेरे प्राण पिया हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। ओ दिन रात करो मैं हजूर बंदगी दिन रात करो मैं हजूर बंदगी बस तू मेरी जाने में कट जाए जिंदगी बस तू मेरी जाने में कट जाए जिंदगी। मिलन हो साहब का नजर में अर्श बका मिलन हो साहब का नजर में अर्श बका प्राण पिया मेरे प्राण पिया हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं प्राण पिया मेरे प्राण पिया हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। ओ दिल प्रीत भरा हो और लगन हो सच्ची दिल प्रीत भरा हो और लगन हो सच्ची फिर इश्क की बातें तो लगती हैं अच्छी फिर इश्क की बातें तो लगती हैं अच्छी। मैं निस्बत पा जाऊं मैं वाहिदत में आऊं मैं निस्बत पा जाऊं प्राण पिया मेरे प्राण पिया हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं प्राण पिया मेरे प्राण पिया हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। तेरे इश्क से मैंने तो मांग भरी है पिया तुमने तो मेरी संभाल करी है तेरे इश्क से मैंने तो मांग भरी है पिया तुमने तो मेरी संभाल करी है। ओ प्यारों ओ न्यारों से न्यारे ओ प्यारों से प्यारे ओ न्यारों से न्यारे प्राण पिया मेरे प्राण पिया हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं ये चरण कमल पाऊं दर्श में खो जाऊं प्राण पिया मेरे प्राण पिया हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इत अनेक विधों के जो नंग
ताकि किरना दिखावे कई रंग, आवत साम सामी अभंग, सो में क्यों कहूं नूर तरंग, सो में क्यों कहूं नूर तरंग। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साची, महान बुद्धि के सागर आप महामति स्वामी श्री प्राणनाथ जी हमें परिक्रमा ग्रंथ का रसपान करवा रहे हैं, हृदय में साक्षात विराजमान होके। तो लाडले सुंदर साच जी, धाम के दुल्हा आप महामति वर्णन कर रहे हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, जो सुंदर हमारा मूल मिलावा आया है, जो कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से कमर भर ऊंचा चबूतरा, उसके चारों तरफों चार दरवाजे और तीन तीन सीढ़ियां, और उसके ऊपर सुंदर थम झलझल कार कर रही हैं, नीचे लाल रंग की गिलम बिछी है, ऊपर हरे रंग का चंद्रमा लगा है, तो किस प्रकार से किरने गिलम की किरने आकाश की तरफ चंद्रमा की तरफ जा रही हैं, और चंद्रमा की किरने कहाँ आ रही हैं, गिलम की तरफ आ रही हैं। तो धाम के धनी फरमा रहे हैं, इत अनेक विधों के जो नंग, ताकि किरना दिखावे कई रंग। लाडले सुंदर साथ जी, इस गिलम में और चंद्रमा में अनेकों प्रकार के नंग जड़ित किए हुए हैं, और वो नंग जो है ना, उन नंगों का जो सुंदर सा जी लाइटें निकल रही हैं, प्रकाश निकल रहा है, किरणें निकल रही हैं, वो किरणें आपस में जंग करती हुई नजर आ रही हैं, ताकि किरना दिखावे कई रंग। कहते अनेकों प्रकार की किरणें उठ रही हैं, तो जो आपस में टकरा रही हैं, आवत साम सामी अभंग, सो मैं क्यों को नूर तरंग, ये किरणें आपस में टकराती हैं, और इन थंबों के प्रकाश का वर्णन धाम के धनी फरमाते हैं कैसे किया जाए, क्योंकि थंबों में से किरणें निकल रही हैं, गिलम में से किरणें निकल रही हैं, चंद्रमा में से निकल रही हैं, थंबों की किरणें थंबों के साथ लड़ रही हैं, है ना, जंग करती हुई नजर आ रही हैं लाडले सुंदर साथ जी, और जो गिलम की किरणें हैं वो चंद्रमा की तरफ जा रही हैं, और चंद्रमा की किरणें निकलकर गिलम की तरफ आ रही हैं। इत याही चौक के बीच बिछाया है दुलीच, लाडले सुंदर साथ जी महामति फरमा रहे हैं कि ए सुंदर साथ जी, ये कमर भर ऊंचा जो गोल चबूतरा आया है ना हमारे मूल मिलावे का, इसके ऊपर लाल रंग का सुंदर कालीन बिछा हुआ है, दुलीचा भी वही रसम, ताकि अति शोभा नरम पसम। धाम के धनी फरमाते हैं, जो गलीचा है ना उसके अंदर भी परम धाम की रसम रीति रिवाज, क्योंकि जो गिलम है ना सुंदर साथ जी, वो चेतन है, राजी महाराज के चिद का स्वरूप है, क्योंकि धाम के धनी खुद गिलम बन के मूल मिलावे के अंदर बिच गए हैं, तो गिलम भी राजी के चिद का स्वरूप है, चेतन है, और फिर वो गिलम कैसी है, बिल्कुल शीतल है, कोमल है ना, नूर है उसके अंदर, सुगंधी है। तो धाम के धनी फरमा रहे हैं कि लाडले सुंदर साजी, दुलीचा भी वही रसम, ताकि अति ज्योत नरम पशम, उस गिलम में से इतनी ज्योति निकल रही है, नूर निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, और वो पशम जैसा गद्दा, पशम जैसा कालीन हमारे मूल मिलावे के अंदर बिछाया हुआ है। जब बैठो तो एक हाथ नीचे बैठ जाता है, जब उठो तो वो उठ जाता है, स्प्रिंग जैसा है, ऐसे जैसे स्प्रिंग लगे होते हैं ना, तो वो नीचे बैठ जाता है फिर ऊपर उठ जाता है, इतना नरम गद्दा है, जिस गद्दे पर हम परम धाम की आत्माएं खेल देखने के लिए बैठी हुई हैं। याकी हसत बेल फूल रंग, सोभी करत जवेरों सो जंग, याकी हसत बेल फूल रंग। लाडले सुंदर साथ जी, इस कालीन के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर जो बेलें बनी हुई हैं, फूल बने हुए हैं, पत्तियां बनी हुई हैं, है ना सुंदर साथ जी, जितनी भी नक्शकारी है, तो धाम के धनी फरमा रहे हैं कि
खिले हुए फूल हैं, बेले हैं, वो आपस में हंसते हैं एक दूसरे को देख के। फूल फूल के साथ हंस रहा है, बेल बेल के साथ हंस रही है, पत्ती पत्ती के साथ हंस रही है, क्योंकि सारे चेतन है ना सुंदर साहब जी। तो सारे राजी महाराज के चिद के स्वरूप हैं और फरमाने फूल और बेले खिले हुए फूलों की भांति हंसते हुए दिखाई देते हैं। और सो करत जवेरों सो जंग, और उनका रत्नों का प्रकाश रत्नों के साथ युद्ध करता हुआ दिखाई दे रहा है। किरना होत न पीछे अभंग, ए भी शोभित जवेरों के संग। कहते किरने आपस में परस्पर टकरा रही हैं, कोई भी किरने वापस नहीं हो रही। चंद्रमा से किरने निकल के आती हैं गिलम की तरफ, तो गिलम की किरने और चंद्रमा की किरने आपस में टकरा जाती हैं। इतना सुंदर आनंदकारी ये नजारा हमारे मूल मिलावे का है। इत धरिया जो सिंहासन, राज श्यामा जी के दौ आसन। लाडले सुंदर साथ जी, इस मूल मिलावे के अंदर सुंदर गिलम बिछी है और हजार पंखुड़ी का कमल का फूल, और कमल के फूल की लाडले सुंदर साथ जी एक एक पत्ती परम धाम के हीरे नंगों से जड़ित है, और उसके ऊपर सिंहासन रत्नों जड़ित रखा हुआ है। इत धरिया जो सिंहासन, कहते हैं इसके ऊपर जो सिंहासन रखा है राज श्यामा जी के दो आसन, और इस सिंहासन के ऊपर दो आसन बिछे हुए हैं। ताको रंग शोभित कंचन, जड़े मानिक मोती रतन। लाडले सुंदर साथ जी, महामती फरमा रहे हैं इस सिंहासन का जो रंग है वो कंचन रंग का सिंहासन है। हम रोज स्वरूप में पढ़ते हैं ना, श्री राज श्री ठकुराणी जी प्रथम भौम में विराजमान भये, ता कंचन रंग का सिंहासन, तिनके छे पाए छे डांडे, एक एक डांडों में दस दस रंग जवेरों के झलकत हैं, है ना। ता कंचन रंग का सिंहासन, सुंदर कंचन रंग का सिंहासन। कहते ताको रंग शोभित कंचन, जड़े मानिक मोती रतन। और इस सिंहासन के ऊपर डांडों में अनेकों प्रकार के मानिक मोती नंगों से जड़ित है, जो हम स्वरूप में पढ़ती हैं, एक एक डांडे में दस दस रंग जवेरों के झलकत हैं, है ना। तो पिछले तीन थम जो खड़े, ता बीच कई नक्शों नंग जड़े। लाडले सुंदर साथ जी, सिंहासन के पीछे वाले भाग में तीन थंबों पर अनेकों प्रकार की चित्रकारी आई है। जो पिछले तीन थंब आएंगे, तीन आगे आएंगे, तीन पीछे आएंगे, तो पीछे की बात कर रहे हैं कि जो पीछे के जो तीन थंब है ना, उनके ऊपर अनेकों प्रकार की चित्रकारी आई है। तकियों के बीच दौ सिरे, ताके फुल्लन पर नंग हरे। और जो श्री राजी महाराज के पीछे दो तकिए रखे हुए हैं ना सुंदर साथ जी, उन तकियों के जो सिरे हैं, दोनों तरफों से सिरे आएंगे ना, गोल गोल तकिए, गोल तकिए रखे हुए हैं, उन गोल तकियों के दो सिरे किनारे हैं जो, तो कहते किनारों के ऊपर हरे रंग के सुंदर नंग जड़ित किए हुए हैं। तकियों के बीच दो सिरे, ताके फुल्लन पर नंग हरे। कहते उनके जो फूल है ना, तकियों के ऊपर बेल बनी हुई है दोनों तरफों, और उन पर जो बेल बनी हुई है, उन बेलों के जो फूल हैं वो हरे रंग के नंगों के फूल हैं। विचार कीजिए कितने सुंदर लग रहे होंगे हरे नंगों के फूल, पांच के सुंदर फूल। उतरती कांगरी जो हार, बनी आसमानी नंग तरफ चार। कहते इन दोनों तकियों की कांगरी की चार हारे उतरती हुई शोभा ले रही हैं, है ना। और कई बेल फूल जड़े माही, ताकि उठत अनेक रंग झाई। कहते एक तकिए में दो हैं, तो दो तकियों में कितनी हो गई, चार। क्या कह रही है, बनी आसमानी नंग तरफ चार, आसमानी रंग की चारों तरफों, एक के दो बेलें आई तो दो तकियों की कितनी हो गई, चार बेलें हो गई। तो कह रही है चारों बेलें इतनी सुंदर लग रही हैं। कई बेल फूल जड़े माही, ताकि उठत अनेक रंग झाई।
कहते इनमें अनेकों प्रकार के बेलें फूल सुंदर शोभा दे रहे हैं और अनेकों प्रकार की किरणें उठ रही हैं, क्योंकि नंगों से जड़ित है ना सुंदर साजी, इन तकियों पर जो बेलें आई हैं श्री राज जी और श्यामा जी की पीठ के पीछे दो तकिए आए हैं ना, उन तकियों के दोनों सिरों पर जो बेलें आई हैं उनके ऊपर हरे रंग के नंगों के फूल हैं और वो फूल इतने सुंदर लग रहे हैं, उनमें से किरणें निकल रही हैं। कई रंग नंग कऊ कहते हर एक तरंग कई देते, कहते ऐसे अनेक नंगों में अनेकों रंगों की किरणें निकल रही हैं। और बाई बगलो तकिए दोए बेला बारीक वर्णन कैसे होए, श्री राजी महाराज के दाई तरफ और बाई तरफ दो तकिए रखे हुए है ना, उन पर भी चित्रकारी की बेलों का शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। बाई बगलो तकिए दोए, दाई और बाई बगल में दो तकिए रखे हुए हैं, बेला बारीक वर्णन कैसे होए, तो कहते इन तकियों पर भी बारीक बारीक बेलें आई हैं और इन बेलों के नंगों की नक्शकारी चित्रकारी महामती कहते कैसे वर्णन करूं। जो जन्म सारे लोग कहिए तो एक नकस को पार ना पाइए, लाडले सुंदर साज जी महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं कि एक चित्रकारी या नक्शकारी का वर्णन करने लगे तो पूरा जन्म व्यतीत हो जाए तब भी उस शोभा का वर्णन हम नहीं कर सकते। जो जन्म सारे लोग कहिए, सारा जन्म एक नक्श का एक मोती का एक हीरे का वर्णन करने में लगे तो शिवजी फरमा रहे हैं तो एक नक्श को पार ना पाइए, एक नक्श का भी कोई पारावार नहीं है। पचरंगी पाटी मी भरी कई विध खाजली माही करी, कहते सिंहासन पर पांच रंग की निवार से बना हुआ यह सिंहासन है ना, जो पांच रंग की निवार से बना हुआ है। और पांच रंग की निवार का वर्णन करें तो कैसे करें, क्योंकि परम धाम के जो रंग है ना सुंदर साजी, उन रंगों की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। क्योंकि हम दुनिया में भी देखें तो हम अगर मार्केट जाते हैं महंगी साड़ी देखेंगे महंगा लहंगा देखेंगे तो आप देखोगे कि जो जितना महंगा लहंगा होगा जितनी महंगी साड़ी होगी उस साड़ी का कलर भी उतना सुंदर होगा, उसकी नक्शकारी भी उतनी सुंदर होगी, उस पे काम भी उतना बारीकी से किया होगा है ना। आज 1 लाख 5 लाख तक के लहंगे आ रहे हैं, 10-10 लाख के लहंगे आ रहे हैं, तो लाडले सुंदर साज जी कभी जाके देखे ना तो वहां श्यामा जी याद आती हैं हृदय से कि अगर ये संसार के अंदर ऐसा लहंगा है 10 लाख का तो श्री राजजी महाराज श्री श्यामा जी के जो वस्त्र आभूषण और श्री राजजी महाराज के परम धाम के जो रंग होंगे वो रंग कैसे होंगे, वो नंग कैसे होंगे, वो नक्शकारी कैसी होगी लाडले सुंदर साज जी, वो कैसा बारीक काम किया होगा है ना। तो कह रही हैं कि पांच रंग का ये श्री राजजी महाराज के तखत का निवार से बना हुआ है, पांच रंग की निवार से बुना हुआ तखत है ना। तो कहते सिंहासन पांच रंगों की निवार से बने, उनमें अनेक प्रकार के बेल फूलों की नक्शकारी की हुई है, पांच रंग की है ना, कह रहे हैं ना पचरंगी पाटी मिही भर, पांच रंगों की मिही निवार से बना हुआ ये तखत, कई विध खाजली माही करी अनेकों प्रकार की नक्शकारी की हुई है, कई चाकले चित्रकारी ता पर बैठे श्री जुगल बिहारी, कहते सिंहासन पर एक गादी और दो आसन लगे हुए हैं और उनके ऊपर हमारे जुगल बिहारी श्री राज श्यामा जी विराजमान होते हैं। दो स्वरूप चित में लीजिए फिर आत्म को दीजिए, कहते ये दोनों स्वरूप अपने हृदय के अंदर धारण कीजिए और बार बार एक अखंड सुख का अनुभव कीजिए, अपनी आत्मा को दीजिए सुंदर साज जी। इन दोनों स्वरूपों को
अपने हृदय में धारण कर और अपनी आत्मा को अखंड सुख बारंबार दें। आत्मा सो न्यारे न कीजे, आत्म बिन कहू न कहिजे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखो कितनी बड़ी बात धनी ने कह दी। धनी जी कह रही हैं, इस जुगल स्वरूप का क्षण मात्र के लिए भी अपनी आत्मा से दूर ना करें और आत्म संबंधी सुंदर साथ के अलावा किसी को भी श्री राजजी महाराज की शोभा का वर्णन करके ना सुनाए। देखिए सुंदर साथ जी, आप सोच रहे हो ना कि पहले 313 आत्माएं थी और अब कम क्यों हो गई है, तो ये कम नहीं हुई। चर्चा में सोई आवत, जाके धनिये पकड़े हाथ। चर्चा वो ही सुन सकता है जिसके हाथ पकड़ के धाम धनी स्वयं सुनाई। और ये चर्चा है हकीकत और मार्फत की, और ये हकीकत मार्फत का जो ज्ञान, ये मार्फत का ब्रह्म ज्ञान का प्याला ये सुंदर सा जी हर कोई नहीं पी सकता। और देखिए कितने साफ शब्दों में शिव जी ने मना कर दिया है कि आत्म बिन कहू न कहिजे। कहते हैं आत्म संबंधी सुंदर साथ के अतिरिक्त किसी को भी श्री राज्य की शोभा का वर्णन करके ना सुनाए। देखो सुंदर साथ जी कितनी बड़ी बात है, अब कैसे सुन ले सारे के सारे। और बाकी कथा कहानियां एग्जाम्पल स्टोरियां हर कोई सुन सकता है, लेकिन लाडले सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी की चर्चा और वो भी मार्फत का ज्ञान, वो भी श्री राजजी महाराज की शोभा श्रृंगार मूल बैठक मूल मिलावे की लीला का वर्णन लाडले सुंदर साथ जी, ये धनी जी की कृपा के बिना कोई नहीं सुन सकता है ना। और धनी जी ने तो साफ मना कर दिया कि आत्म बिन कहूं ना कहिजे, जब तक सामने वाला परम धाम की आत्म ना हो, अंकुरी ना हो, तो ये वर्णन करके नहीं सुनाना। कहते यज्ञ वलक्य जो हुए ना, उन्होंने अपनी श्रोताओं के बीच में कहा था कि ब्रह्म का स्वरूप का वर्णन करो, तो कहते अगर ब्रह्म का स्वरूप कोई वर्णन नहीं कर सकेगा तो धड़ से सर अलग कर दिया जाएगा। तो कहते एक खड़ा हुआ ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करने के लिए और मुख से एक शब्द नहीं निकला। और उन्होंने पहले कह दिया था, इसलिए शिव जी ने एक चौपाई कही कि धड़ से सिर कोई न्यारा करे तो आधा लुगा मुख से ना निकसे। कहते ये ब्रह्मवाणी, ये मार्फत का ज्ञान, ये अंतरंग की लीला, ये आनंदकारी जो लीला, हमारे रंग महल की लीला, धड़ से सिर कोई न्यारा करे तो आधा लुगा मुख से ना निकसे, धड़ से सर कोई अलग कर दे। शिव जी ने कहा एक मात्रा भी धनी बोलने नहीं देते अपने ब्रह्म के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में, अपनी शोभा के बारे में, क्योंकि खुदा की गवाही खुदा ही देवे। पहले से कुरान में लिखा था कि खुदा अपनी गवाही स्वयं ही देगा, उनके अलावा कोई उनका वर्णन नहीं कर सकेगा और ना ही सामने वाला बिना पात्र के सुन सकेगा। केसरी दूध कनकनारे, पात्र बिना न समाए। शिव जी ने वाणी में फरमा दिया कि ये केसरी कौन है, श्री श्यामा जी महारानी। ये श्यामा जी महारानी की रसना का रस है और पात्र बिना ना समाए। कहते जब तक परम धाम का पात्र नहीं होगा, केसरी दूध कनकनारे पात्र बिना ना समाए। कहते केसरी का दूध सोने के बर्तन के बिना अगर किसी में डाल दिया जाए, शेरनी का दूध सोने के बर्तन के बिना किसी में डाल दिया जाए तो वो बर्तन को फाड़ के निकल जाता है, वो रह नहीं सकता। शिव जी कहते हैं ये जो आप वर्णन सुन रहे हो, ये वो लीला वो शोभा वो श्रृंगार पात्र होते तिने पाइया, वो जो पात्र होंगे ज्ञान को सुन सकते हैं, बाकियों के बस की बात नहीं है। और शिव जी ने यह मना कर दिया कि संबंधी आत्म बिन कहूं ना कहिजे, जब तक सामने वाला परम धाम की आत्म ना हो तब तक उनके सामने
इस शोभा श्रृंगार का वर्णन नहीं करना। फेर फेर कीजिए दर्शन, आत्म से न्याय न कीजिए अदछिन्न। और कहते हैं ऐसे अक्षरातीत राज श्यामा जी का दर्शन बार बार कीजिए, और जो आत्म हो अपनी आत्मा से तो आधे क्षण के लिए भी इस दर्शन को, इस दीदार को अलग मत करना। फिर फिर कीजिए दर्शन, बार बार श्री राज जी श्यामा जी के नख से लेके सिख तक का वर्णन बार बार देखिए। फिर फिर स्वरूप को निरखिए, रुको ए लागी रट, ए चरण हृदय आए तो खुल गए अंतर पट। धनी ने कहा बार बार स्वरूप को निरखो, है ना, और निरखने से देखने से हमारी आत्मा जग जाएगी। और कहते हैं फेर फेर कीजिए दर्शन, आत्म से न्यारे ना कीजिए अदचिन। अपनी आत्मा से इस मूल स्वरूप को, राज श्यामा जी को, इस मूल मिलावे को आधे क्षण के लिए भी हृदय से अलग नहीं करना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। लाडले सुंदर साहब जी, आइए हम चौपाई दोहराते हैं। हमारी अनीता पटेल जी यूएस में बैठ के जागनी कर रही हैं, अपनी बहन पिंटू पटेल को भी लगा दिया, और पिंटू जी ने आगे भी बहुत सारे सुंदर साथ को वाणी चर्चा सुनने में लगाया। तो ए सुखदेव ब्रह्म सृष्ट को तो मैं अंगनादार का काम कर रहे हैं। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम चौपाई दोहराते हैं। आत्मा से न्यारे न कीजिए अदछिन, आत्म सो न्यारे न कीजिए, आत्म बिन कहू न कहिजे, फेर फेर कीजे दर्शन, आत्म से न्यारे न कीजे अदछिन, आत्म से न्यारे न कीजे अदछिन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी।